दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे अगर आपके बैंक अकाउंट के साथ आधार नंबर लिंक है या फिर मोबाइल नंबर लिंक है तो कैसे बैंक अकाउंट बैलेंस आप चेक कर सकते हैं एक सिंगल नंबर डायल करके। तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से डायल करना है *99# एंड करेंगे डायल। और यहाँ पे डायल करने के बाद आप देख सकते हैं USSD कोड रनिंग दिखा रहा है। और डायल करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ मैसेज आ जाएगा, सेंड मनी, रिक्वेस्ट मनी, चेक बैलेंस। तो यहाँ पे 3 सिलेक्ट करके चेक बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे मैं चेक बैलेंस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटर 6 डिजिट UPI पिन फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अकाउंट नंबर है। तो यहाँ पे मेरा UPI पिन यहाँ पे डाल देता हूँ। और UPI पिन डालने के बाद करना है सेंड। और जैसे ही सेंड करेंगे यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट बैलेंस दिखाएगा। आप देख सकते हैं योर अकाउंट बैलेंस इज यहाँ पे जो भी रुपीस दिखा रहा है। सो पहले से मैं इसको रजिस्टर करके रखा था इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली बैलेंस दिखाया। तो सबसे पहले आपको *99# करना है एंड डायल करने के बाद लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। एंड लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद UPI पिन नंबर जैसे ही डालेंगे तो आपका जो भी बैंक अकाउंट है सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिखाया। तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। अभी मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी इस प्रोसेस को कर लिया। और जब भी आप आपके नंबर से इस नंबर को डायल करेंगे आपके मेन बैलेंस से 50 पैसा चार्ज होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक नहीं आपके सिम कार्ड का जो बैलेंस है वहाँ से 50 पैसा एक चार्ज हो जाएगा। डियर सब्सक्राइबर, यू आर चार्ज्ड ₹50 फॉर द सर्विस NPCI। आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से *99# नंबर डायल करके बैंक अकाउंट बैलेंस आप चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।